हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट का जो वैकेंसी निकला हुआ है असम गवर्नमेंट का, उसके मैथ्स के ऊपर। तो चले शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 100%, इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय, अब ये परसेंटेज में दिए हुए हैं, तो एरिया कितना परसेंटेज इंक्रीज होगा ये आपसे पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, आने के चांसेस भी एग्जाम्स में। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे डायमेंशन मीन्स हो गया लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल का दो ही डायमेंशन होगा, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है ना। तो अब ये इंक्रीज हो रहा है 100%, तो मान लेते हैं सपोज एरिया पूछ रहा है ना, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है, ये नॉर्मल एरिया हम लोग ले लेते हैं। अब ये 100% अगर बढ़ जाए, तो 100% बढ़ गया मीन्स क्या, पूरा एल ही बढ़ गया ना, तो लेंथ फिर क्या हो जाएगा, तो टू लेंथ हो जाएगा, है ना। फिर 100% कौन बढ़ रहा है, ब्रेथ भी बढ़ रहा है 100%, तो इसका 100% मीन्स क्या, फिर वही डबल हो जाएगा, तो इंटू टू बी, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये न्यू एरिया हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, टू टू जो 4 LB, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, पहले जो था LB अब ये हो गया 4 LB, तो कितना बढ़ गया। तो दोस्तों यहाँ से देखोगे ये 4 है, यहाँ 1 है, तो ये 3 LB बढ़ गया ना, है ना। तो हमको निकालना किस में, परसेंटेज में, तो ये बढ़ा कितना है 3 LB डिवाइड पे, कंपेयर किससे करेंगे, पहले से, तो ये एल बी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, अब परसेंटेज में निकालना है तो 100 आ जाएगा, ये परसेंटेज एल बी कैंसिल, यानी 3 × 100 करोगे तो 300% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से विद इन सेकेंड आंसर को निकाल सकते हो, जिसका आंसर हो गया आपका 300%, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 27 का पावर 2x-1 इज इक्वल्स टू 243 का पावर 3 है, देन आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों x कहाँ है पहले देखोगे, तो x तो भाई पावर में है, किसका पावर है, तो 27 का, तो ये तो 27 का तो पावर होने वाला नहीं है, है ना, तो इसको छोटा करेंगे, ठीक है। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों 3 का क्यूब, तो ये हो गया 3 का क्यूब, और फिर पावर क्या दिया हुआ है, 2x-1 इंटू 2x-1, तो इसको भी हम लोग 3 का पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों 3 का पावर 3 होने से 27, 4 होने से होता है 81, ठीक है, 5 होने से होगा आपका 243, तो 3 का पावर 5 का वैल्यू है, ये 3 का पावर 4 का वैल्यू याद रखोगे आप, ठीक है। तो अब इसको लिख सकते हो आप 3 का पावर 5 इंटू 3 15 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो अब देखोगे बेस बेस सेम है, तो पावर पावर भी सेम होगा, तो इसको इंटू कर लो, चाहे आप डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख के यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये 15 3 से कैंसिल कर देते हैं 5 बार, ये हो गया 2x, ये 1 उस साइड जाएगा तो प्लस होगा, 5 + 1 = 6, फिर 2 से कैंसिल करते हैं 3, तो x का वैल्यू दोस्तों कितना आया, 3 आया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि अब यहाँ देखोगे रूट के अंडर 6 है, प्लस रूट अंडर 6, प्लस रूट अंडर 6 अप टू डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, तो आपको करना क्या है कि देखोगे पहले ध्यान से कि एक ही नंबर है, सेम नंबर, दूसरा ये भी देखना है कि ये प्लस है ना माइनस है, तो ये सारे प्लस में है, तो आप करोगे कैसे, देखो 6 का ऐसा दो फैक्टर आपको फाइंड करना है जिसका डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस जो होगा, कॉमन डिफरेंस मतलब जो फैक्टर निकालोगे उस फैक्टर का डिफरेंस 1 हो। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 3, अब देखोगे 2 3 = 6, तो 2 3 फैक्टर हुआ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है ना। तो अब अगर प्लस होगा तो आंसर बड़ा वाला यानी 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3। अगर इसी जगह अगर ये माइनस होता तब आंसर छोटा वाला हो जाता यानी 2 हो जाता, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द टू नंबर्स इज 10, यानी दो नंबर ले लेते हैं ए और बी है, उसका सम दे दिया हुआ 10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 20, और इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स इनटू 20। तो आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी देयर सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ठीक है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, तो इसका दोस्तों रेसिप्रोकल 1/a, फिर सम पूछा 1/b, यही पूछा है ना। तो आप इसको जो सॉल्व करोगे तो ऊपर आएगा a प्लस बी डिवाइड बाई ए बी, ठीक है, ये होगा, और a प्लस बी का वैल्यू 10 है और नीचे 20, तो आंसर हो गया 1/2। तो दोस्तों और एक बात, ऐसे क्वेश्चन मैं तो करके दिखा दिया, बट अगर एग्जाम्स में ऐसे आ जाए सम दिया हुआ है प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है कि सम को ऊपर रखना और प्रोडक्ट को नीचे करना, और आंसर आ जाएगा सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल का, ठीक है।
तो अब यहाँ पे सम कितना था, 10 था, तो 10 ऊपर रखोगे और प्रोडक्ट कितना है 20, 0 0 गया यानी 1/2 आंसर, विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 1/2 जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 मैंगोज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 मैंगोज देन व्हाट विल बी गेन परसेंटेज। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे दोस्तों, यहाँ देखोगे 5 ऑफ कॉस्ट प्राइस ना, तो 5 CP इज इक्वल टू 4 SP। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आए हुए क्वेश्चन है तो आ सकते हैं एग्जाम्स में, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों याद रखोगे CP/SP/SP/CP आप किसी में भी कन्वर्ट कर लो, तो ये क्या करेंगे हम लोग CP/SP, तो यहाँ हो गया दोस्तों 4 और ये 5 इसके नीचे आएगा, तो ये ऊपर वाला होगा और नीचे वाला होगा। ठीक है, तो CP हो गया 4 यूनिट, SP हो गया 5 यूनिट। तो दोस्तों जब SP बड़ा होता है, क्योंकि SP तो बड़ा दिख रहा है CP से, है ना, तो SP बड़ा हो CP से तो हमेशा याद रखोगे प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा, तो SP-CP, तो 5-4 कर दोगे तो कितना होगा 1, यानी 1 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा व 1 यूनिट का प्रॉफिट होगा। बट आपसे पूछ क्या रहा है कि गेन परसेंटेज, गेन मीन्स प्रॉफिट एक ही है, तो परसेंटेज में पूछ रहा है, तो गेन परसेंटेज बा प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइड बाई CP, CP हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1 एंड देन डिवाइड बाई CP, CP कितना है 4 इंटू 100, ये कितने बार में जाएगा 25 को 1 से इंटू करोगे 25% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब यहाँ देखोगे ये सब रूट के अंडर दिख रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्टार्ट करना कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो 169 ये कितने का स्क्वायर होता है, तो ये होगा आपका 13 का, आपको याद होगा, तो ये 13 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है, अब रूट से बाहर निकल के आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस है, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब इसको प्लस करोगे तो ये भी एक स्क्वायर नंबर ही होगा। देखोगे आप 1 1 1 2 1, ये कितने का होगा 11 का, तो फिर ये 11 बाहर निकल के आएगा, फिर किसके साथ प्लस होगा, इसके साथ, तो ये कितना हो जाएगा, अब ये हो गया 9, ये हो गया 4, 49, फिर रूट लगा हुआ है तो फिर बाहर निकलेगा कितना 7, क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ 7 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 64, फिर यहाँ से फिर निकलेगा बाहर, तो ये कितने का स्क्वायर होता है 8, तो 8 8 16, तो ये कितने का होता है 16, 4 का, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। दोस्तों इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड भी आप कर सकते हो, मैंने पूरा स्टेप करके दिखाया, अगर आप चाहो तो विद इन सेकेंड आंसर को कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, तो यहाँ देखोगे यहाँ क्या है 8 है ना, तो यहाँ से क्या आ सकता है, ये कितने का स्क्वायर हो सकता है, इसके आगे 8 का ही हो सकता है, तो 8 और 8 कितना होता है 16, 16 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर रूट लगाओगे तो 4। डायरेक्ट आप विद इन सेकेंड भी आंसर को देख के आप निकाल सकते हो, बट मैं स्टार्टिंग से करके दिखा दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाया, अभी जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एग्जाम्स होने वाला है तो वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।